हेलो एवरीवन, आज हम जो सीखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है। जैसे कि हमें पता है, कंप्यूटर एक मशीन है जो सिर्फ ऑन और ऑफ सिग्नल को ही समझता है। यहाँ पे हम ऑन माने वन और ऑफ माने जीरो बोलेंगे, लेकिन इस जीरो और वन की भाषा हम नहीं बोल पाएंगे और हमारी भाषा कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमें सीखनी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में। जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं कंपाइलर। जैसे इंसान बहुत सी भाषा में बात करता है, वैसे बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। हम सीखेंगे सी लैंग्वेज। तो देखते हैं फीचर्स ऑफ सी। सिंपल, पोर्टेबल, मिडल लेवल, फास्ट, स्ट्रक्चर्ड। सी लैंग्वेज को सारे लैंग्वेज का बेस कहा जाता है। ये लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान है क्योंकि ये लैंग्वेज इंग्लिश से काफ़ी मिलती है। इसको पोर्टेबल कहा जाता है। सी का सोर्स कोड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिकम्पाइल करके रन कर सकते हैं। लैंग्वेजेस को तीन सेक्शंस में ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, लो लेवल, हाई लेवल, मिडल लेवल। सी मिडल लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर से काफ़ी नज़दीक है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर से नज़दीक तो नहीं है, लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत आसान है। कंपाइलर यूज करके इसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी और जावा मिडल लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में रैपिड डेवलपमेंट दिया गया है। रैपिड डेवलपमेंट कंप्यूटर के ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज को यूज करता है। सी लैंग्वेज फंक्शन ब्लॉक से बनता है। फंक्शन ब्लॉक मीन्स ओपन कर्ली ब्रेस और क्लोज कर्ली ब्रेस, जिसे नाम दिया जाएगा और आगे लिखेंगे पैरेंथेसिस। ऐसे सी में बहुत से फंक्शन ब्लॉक्स है, लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन फंक्शन के ओपन कर्ली ब्रेस से और एंड होगा मेन फंक्शन के क्लोजिंग कर्ली ब्रेस से। तो चलिए सी प्रोग्राम का कोड देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है मेन फंक्शन का ओपनिंग कर्ली ब्रेस और एंडिंग होता है मेन फंक्शन का क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। प्रिंट एफ कमांड उसके ब्रैकेट में जो लिखा है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर हमने लिखा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। लेकिन प्रिंट एफ कमांड लिखने के लिए हमें इंक्लूड करना होगा stdio.h। प्रिंटफ कमांड में हम जो भी लिखते हैं डबल कोट में लिखते हैं, लेकिन अगर ये डबल कोट के अंदर डबल कोट लिखना है तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसके स्टार्ट और एंड डबल कोट का पता ही नहीं चलेगा। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, जैसे न्यू लाइन, हॉरिजॉन्टल टैब, एक्सेट्रा। इन्हें हम लिखेंगे बैक स्लैश से। इन्हें कहा जाता है एस्केप कैरेक्टर्स या एस्केप सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डिस्प्ले करना है रामा सेज डबल कोट्स में हाउ आर यू, तो हम लिखेंगे रामा सेज बैकस्लैश डबल कोट हाउ आर यू बैकस्लैश डबल कोट